300 सीट में राम मंदिर बना, और हमें जब 400 सीट मिलेगा हम ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर बनाऊंगा और कृष्णा जन्मभूमि भी हम लोग बनाऊंगा। ये राम मंदिर का मामला कहां से आया? हमारा देश का दुर्भाग्य था कि हमारा देश को मुगलों ने कब्जा किया। मुगल का कौन कौन बादशाह था? बाबर था, औरंगजेब था, ऐसे लोगों ने भारत को शासन किया। शासन क्या किया? वो लोगों ने जहां भी हिंदू का मंदिर देखा वो लोगों ने मंदिर को तोड़ने का काम किया। बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाया। हिंदू ने 500 साल लड़ा कि हमें राम मंदिर वहां पर चाहिए। देश स्वाधीन हुआ, कांग्रेस ने देश को 7 साल शासन किया। कांग्रेस का समय में भी हिंदू ने लड़ते रहा कि रामलाला का मंदिर बनाइए, राम हमारा भगवान है, हमारे रामलाला का जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी का शासन आया, हमारा प्रयास हुआ कि राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस लोगों ने हमको इंसल्ट शुरू किया, हर सभा में बोलते हैं मोदी जी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब होगा, कब बनेगा राम मंदिर। पहले तो इंसल्ट से शुरू हुआ, उनको मन में था कि राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन मोदी तो मोदी ही है, तो मोदी ने राम मंदिर बना के दिखा दिया कि हिंदू को कभी चैलेंज मत करना। हम समय ले सकता हूं, हम सहनशील हो सकता हूं, लेकिन जब मेरा भगवान का नाम आता है, जब मेरा भगवान का सम्मान आते हैं, मैं भी बैठने वाला नहीं हूं। भाई और बहनों, हमारा काम अधूरा है। कांग्रेस पूछते हैं कि मोदी जी को 400 पार क्यों चाहिए? मुगलों ने हमारा 3 मंदिरों को तोड़ा था। एक तो राम जन्मभूमि मंदिरों में उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाया था, आज अयोध्या में राम मंदिर बना। लेकिन हमारा भगवान कृष्ण जगन्नाथ, कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में वो लोगों ने शाही ईदगाह बना के रखा हुआ है। और बाबा विश्वनाथ का काशी में, जो अगर आप विश्वनाथ मंदिर आते हैं सामने ही वो लोग हमारे शिवलिंग का जगह में ज्ञानवापी मस्जिद बना के रखा है। कांग्रेस लोग हमें पूछते हैं आपको 400 सीट क्यों चाहिए? मैं वो लोग को बताता हूं, 300 सीट में राम मंदिर बना, और हमें जब 400 सीट मिलेगा हम ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर बनाऊंगा और कृष्ण जन्मभूमि भी हम लोग बनाऊंगा। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।